कि मैं भी आप सबकी तरह और तमाम अमन पसंद लोगों की तरह हर तरह की दहशतगर्दी और आतंकवाद का सख्त मुखालिफ हूँ। और चूंकि मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि हमारे देश के टैक्स पेयर्स का जो खरबों रुपया अफगानिस्तान के प्रोजेक्ट्स में लग चुका है वो बर्बाद न जाए। मुझे ये बताया गया है कि अफगानिस्तान में होने वाली हालिया तब्दीली के बारे में मैंने जो बयान 16 अगस्त 2021 को जारी किया था उसके बारे में कुछ लोगों को कुछ गलतफहमियां पैदा हो रही हैं या की जा रही हैं। मैं आज इस बयान के जरिए साफ लफ्जों में ये कहना चाहता हूं कि मैं भी आप सबकी तरह और तमाम अमन पसंद लोगों की तरह हर तरह की दहशतगर्दी और आतंकवाद का सख्त मुखालिफ हूं। 2 मार्च 2001 में जब अफगानिस्तान के शहर बामियान में महात्मा गौतम बुद्धा के स्टेचू को मुबैना तौर पर तालिबान ने मुनहदिम किया था, डिमोलिश किया था, तो मैंने फौरी तौर पर उसके खिलाफ एक सख्त मजम्मती बयान जारी किया था। और मैंने अपने उस बयान में उनकी इस हरकत को अन इस्लामिक, अन सिविलाइज्ड और बर्बरिक करार दिया था। पूरे मुल्क के मीडिया ने मेरे उस बयान को उस वक्त शाये किया था। अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि आज के तालिबान पहले दौर के तालिबान से बहुत मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से अमेरिका, चाइना और रूस जैसे बड़े मुल्क भी उनसे बातचीत कर रहे हैं, और खबरों के मुताबिक पिछले दिनों में भारत सरकार ने भी तालिबान के लीडरशिप से बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। और चूंकि मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि हमारे देश के टैक्स पेयर्स का जो खरबों रुपया अफगानिस्तान के प्रोजेक्ट्स में लग चुका है वो बर्बाद न जाए, इसलिए मैंने अपने वतन की खैरख्वाही के जज्बे से वो बयान जारी किया था। मैं इस बात को भी अपने मुल्क की सरकार की समझदारी की अलामत समझता हूं कि अभी तक उनकी तरफ से अफगानिस्तान की मौजूदा तब्दीली के बारे में कोई नेगेटिव बयान जारी नहीं किया गया। और साथ ही मैं मीडिया से भी ये अपील करता हूं कि वो मुल्क के सरमाए को बर्बाद होने से बचाने की तरफ भी तवज्जो करें। मैं इस बात को दोहराने की कोई जरूरत नहीं समझता कि हम अपने वतन के खैरख्वाह और वफादार हैं और उसकी सालिमियत और हर पहलू से उसकी तरक्की के लिए मुसलसल कोशिश करने वालों में सरफहरिस्त है और हर कुर्बानी के लिए हमेशा की तरह तैयार है, तैयार हैं और रहेंगे। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।